ये निकले बाप रे। हाँ और ये एक 500 का नोट मिला मेरे को। ए बाबा ए आराम से निकल फट जाए। बहुत बुखार है ना मेरे सर भी तो दर्द हो रहा है और बुखार मुझे भी आ रहा है। क्यों झूठ बोल रहा हूँ मैं पड़ गई हूँ बीमार बुखार और अभी सारा काम भाई कर रहा है। अभी बेचारा ये सारा काम यही कर रहा। बर्तन भी पड़े थे मैं नाश्ता बनाने के लिए तो उठ गई थी सुबह बच्चों के लिए लेकिन फिर हिम्मत नहीं हुई दोबारा उठने की सो गई तो नाश्ते के बर्तन पड़े थे। अभी वो दिन का खाना बना रहा है। विवान को स्कूल छोड़ के आया तैयार करके बच्चों को एक को मैंने छोड़ा था एक को दी और अभी अब लाने का टाइम है तो अभी जा सकती हूँ धूप में 1 बजने वाले तो आज वो सारा काम कर रहा मेरे बदले का। मेरी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब अभी अबू कर रहा है मम्मी की सेवा। अबू क्या कर रहा है सेवा वो क्या लगा रही कि मम्मी के सर पे पत्ती मतलब रुमाल करने गया। आप देखते हैं भगवान क्या करने गया मम्मी के लिए। मेरा प्यारा बच्चा मतलब अब मैंने अपने हाथों में ना वो लगा रखा पानी गर्म हो रखा है मेरा वो आपका भी ठंडा करता ठंडा महसूस हो रहा है बच्चा मेरा प्यारा बच्चा महसूस हो रहा है। हाँ बेटा तेरे प्यारे प्यारे हाथों से मेरे को अच्छा लग रहा है सर दबाते रहे। भाई तू अपने ऐसे कर जरा थक गया मेरा बेबो छोटा हाथों से ठंडकी तो मिलती है। मम्मी को क्या हो रहा है दर्द बहुत बुखार है ना मेरे सर भी दर्द हो रहा है और बुखार मुझे भी आ रहा है। क्यों झूठ बोल रहा हूँ। तो गाइस आज है नेक्स्ट डे और 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही बुखार आ रहा है। हो क्या रहा है कि दिन भर ठीक हूँ और रात रात में बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है। कल रात में तो बहुत ही ज़्यादा आया था लेकिन अभी थोड़ा सा ठीक हूँ। मैं उठ गई थी सुबह पूरा काम बच्चों को स्कूल भेजना क्योंकि बच्चों के लिए उठना ही पड़ता चाहे कुछ भी हो और विवान तो बिना मेरे स्कूल जाता ही नहीं है मुझे ही छोड़ना पड़ता है उसको तो उठा ही पड़ा। तो अभी मैं सारा काम निपटा के अभी अब मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। हिम्मत तो नहीं हो रही खड़े रहने की लेकिन क्या करें इनके साथ। मैं अभी वो से करवा रही हूँ होमवर्क बच्चों के पेपर आने वाले हैं तो थोड़ा बहुत तैयारी करवा रहे हैं तबीयत अभी भी सही नहीं हो रही है। इससे लिखवाना बड़ा मुसीबत का काम है बहुत। नहीं माही अपने आप लिखेगा लिख भी वो हिम्मत भी नहीं हो रही कुछ बोलने क्योंकि मेरा सर बहुत दर्द कर रहा। अगर मेरा आज नहीं रहा तो मैं कल डॉक्टर के पास जाऊँगी दिखाने की मेरे 2-4 दिन से सर में बहुत दर्द। स्कूल जाना हाँ ठीक है स्कूल का पास ही है डॉक्टर। हाँ माई के स्कूल में तो बहुत दूर है ना। हाँ सही बोल रहा है यार जाना पड़ेगा। हाँ बेटा बहुत अच्छे करते हैं ना। कल मेरा बीबू मेरी सेवा इतना कर रहा था क्योंकि मुझे बुखार बहुत आ रहा। आज बुखार नहीं है आज मेरे को क्या है बीबू सर दर्द कर रहा मेरा। मेन थिंग प्रॉब्लम पता क्या हो रही कि दिन भर बिल्कुल ठीक रह रही हूँ सुबह जैसे उठ रहे तो बिल्कुल ठीक हूँ और शाम होते होते 3-4 बजे मेरे को फिर से बुखार। 3 दिन से यही सिलसिला चल रहा है और सर में बहुत दर्द और सर में दर्द नहीं यहाँ पे ऊपर पे हो रहा बहुत ही ज़्यादा कि मेरे से ना बिल्कुल सहन नहीं हो रहा। और मैंने कल भी आज भी मेडिसिन नहीं खाई मैंने कहा दवाई नहीं खाना क्या पता रह जाए। अगर आज नहीं रहा तो कल मैं पक्का डॉक्टर के पास जाऊंगी और दिखाऊंगी। मम्मी मैंने स्कूल जाना क्योंकि मैं स्कूल बहुत पास है। हाँ ठीक है ऐसे पैसे मिल रहे हैं आजकल मैं इसके लिए गुल्लक लाई थी ना और ये गुल्लक बहुत लकी रहा है यार बीबू के लिए पता है उसमें पता नहीं 1,000-1,500 रुपये हो गए बीबू के गुलक में। तो जैसे ही मामा दे रहा 10 रुपये मैं जैसे कहीं मैं मेरे से अगर बोलेगा मम्मी देना 5 रुपये सीधे जाके देखो जरा गुल्लक बीबू कितने सारे पैसे हो गए मुझे दे देगा ना इस्तेमाल करने के लिए। अभी नहीं अभी तो बहुत पैसे डालने बेटा उसमें देख ले बहुत लकी हो तेरे लिए। 2 दिन हमारे यहाँ कौन आया और कोई हमारे यहाँ आए थे तो उन्होंने बीबू को ना 500-500 रुपये दिए
माई तो थी नहीं, माई स्कूल थी, बीबू घर पे था, तो बीबू को 2 बार 500-500 रुपये बीबू तुरंत गुल्लक में डाल रहा है। और छोटे बच्चे ना जब भी कोई घर आता है तो बोलता कि ये पैसे देंगे, मैंने बोला ऐसे नहीं बोलते भाई, चलो आके अब लिखो, चल आजा 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 होमवर्क कर ले। यार तू बाहर जाओ वहां शीशे में कौन ब्रश करता है, जाओ क्या देख रहा है, देख इसको बाहर वॉश बेसिन छोड़ के ना इधर आ रहा है ब्रश करने, देख जा जा कूला कर ले, अब हो गया जा 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 बेटा जाओ, हो गया। 2-3 दिन से सोच रही थी कि बॉडी झेल लेगी, ठीक हो जाऊंगी, तो नहीं हो पा रहा, तो भी जा रही हूँ डॉक्टर के पास दिखाने, देखती हूँ क्या बोलता है डॉक्टर। इतने सारी दवाई डॉक्टर से बोला कि आपको कोल्ड की वजह से हो रहा जो भी दर्द, तो ये लाज भी खाते हैं। और ये ब्लॉग भी 3 दिन से चली रहा, कभी मेरे बच्चे बना रहे और कभी अगर हिम्मत हुई तो मैंने बनाई, तो ये ब्लॉग भी 3 दिन से चली रहा है गाइस। फाइनली 3 दिन से बिस्तर में लेटी थी, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब, बुखार था कि क्या बोलूँ, डॉक्टर के पास भी गई, हॉस्पिटल दवाई लाई, तब जाके थोड़ा सा रिलैक्स मिला, नहीं तो मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, 1-2 दिन बॉडी झेल लेगी, सही हो जाऊँगा, लेकिन नहीं, वो बहुत ज़्यादा होता गया, बुखार, सर पूरा जकड़ लिया, सर भारी हो गया, सर दर्द कंटिन्यू 3 दिन से, तो आज बिल्कुल मतलब ठीक हो चुकी हूँ, सर दर्द रह गया, बुखार रह गया, थोड़ा वीकनेस है, तो आज उठ के थोड़ा ये है कि अपने किचन में जाके खाना बना पा रही हूँ, क्योंकि लिटरली 3 दिन से भाई बच्चों का देख रहा है, खाना बना रहा, सारा काम घर का वही कर रहा था। कल 2-3 दिन से घर में बस झाड़ू झाड़ू ही लगे, पोछा नहीं, क्योंकि मैंने भाई को बोला तो सिर्फ झाड़ू मार, पोछा नहीं, तो अभी थोड़ा बहुत मैंने किचन साफ करी, साफ वो भी कर रहा, लेकिन होता नहीं कि जब तक आप अपने किचन में ना आओ, खुद ना करो, तब तक ऐसा लगता है कि शायद साफ से हो ही नहीं है। तो अभी मेरे चावल बन गए, दाल बन गया, सिर्फ दाल चावल ही बने, और कुछ नहीं बना रही हूँ। घर में अकेले होती तो क्या होता मेरा, कैसे मेरे बच्चों को मतलब संभालती, खाना बनाती, उनको स्कूल भेजती, मैं नहीं कर पाती। अगर इतना ज़्यादा हो गया था मुझे कि हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा भाई को स्कूटी में बिठा के, मुझे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, तो मैं बोली अगर भाई नहीं होता ना मेरा तो पता नहीं क्या होता मेरे साथ। हाँ तो मेरे से खाया नहीं जा रहा, और इसमें मैंने दाल ली है मक्के में पकड़ के पीऊँगी, तो मेरा सबसे वीकनेस पॉइंट पता ही है, जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मैं मतलब बिल्कुल ही खाना छोड़ देती हूँ, खाना पीना, उसकी वजह से मुझे ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, और इसलिए तो अभी मैं दाल पी लेती हूँ। अभी थोड़ा ऐसी अस्त व्यस्त हो रखा है, और अभी मैंने दाल लेके आ गई मैं इसमें, और दाल पीऊँगी क्योंकि खाने का मन नहीं करता। अब बेबू की तिजोरी खुल गई है, विवान का गुल्लक है, बाप रे, ये निकले बाप रे, इतने सारे सिक्के कहाँ से लाए बेटा, अभी देखो इसके पास 10 के हैं, 20 के भी हैं, कितने पैसे निकल रहे हैं आज ये 200 का भी है, हाँ, और ये एक 500 का नोट भी है मेरे को, आराम से निकाल, फट जाएगा, ये देखो ये विवान के उससे निकले हैं 5, ये देख फाड़ दिया लड़के ने, देख फाड़ दिया, हजार पति हो गया, हजार पति इसके गुल्लक से, कितने कितने पैसे निकले भाई, बस बस बर्थडे की बाकी है, अब ये सोच रहा है इसका बर्थडे आएगा तो इसको पैसे मिलेंगे, उसको भी ये जमा करेगा कि गुल्लक में, है ना, संभाल दो, चलो कि हाँ बोलेगा ना बोलेगा ना। नहीं मैं तो निकालूंगा, अरे चाबी वगैरह खो जाएगी फिर खुलेगा ही नहीं भाई। और इस ब्लॉग का एंड कर देते हैं हम आज यहीं पे, तो फिर मिलेंगे एक नए सी सुबह के साथ, एक नए प्यारे से ब्लॉग के साथ, तो अगर आपको पसंद आया होगा ये वाला ब्लॉग, ये वाली वीडियो जिसमें तबीयत भी ख़राब हो रखी है और ठीक भी इसी ब्लॉग में हो गई मैं, क्योंकि 2-3 दिन का है ना इकट्ठा मिला के, तो बस आई होप यही वही उम्मीद करती हूँ कि अगर पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को, जो खासकर नए हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से और प्यारे ब्लॉग में, तो तब तक बाय, और अपना ख्याल रखिए भाई, मेरी तो जो हालत ख़राब हुई ना
तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, बस हमेशा सेफ रहिए।